सतनाम वाहिगुरु साहिब जी आखण जोर चुपै नै जोर जोर ना मंगण देण ना जोर आखण जोर चुपै नै जोर जोर न मंगण देण ना जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राज माल मन शोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगति छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग चबरो तख्त दे मालक वालिए दो जहां सरबरे कायनात दी चादर रहम दे मुजस्मे गरीब निवाज दीन बंधु भगत वशल रहम दे साईं शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन हजूरी अंदर सुभायमान गुरु सवारी साध संगत जीओ आवो गुरु बाणी विचार प्रारंभ करन तो पहला हर रोज़ दी तरह हजूर दे पावन कदमा विच निवावो सीस समूह संगत आखो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देण ना जोर पावन बचन जगत गुरु नानक देव साहिब जी दी अमृत रसना तो उचारे होए जप बाणी दी 33वीं पौड़ी अमोलक बचना दी आरंभता करदिया साहब ने अज प्रभु दी रजा दी गल कीती है। जो कुछ कायनात विच वरत रहा है वो निरंकार दे हुक्म विच उहदे भाणे विच वरत रहा है, भाणे तो बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस विचार नूं समझण लई अखीरले बंद वल तवज्जो दिओ नानक उत्तम नीच ना कोए। अपनी मर्जी नाल कोई उत्तम नहीं हुंदा ते अपनी मर्जी नाल कोई नीच यानी विकारी नहीं बन जाता। फिर आरंभ विच साहिब ने इन्हां शब्दां नाल जिक्र कीता आखण जोर चुप्पै नै जोर। जे मैं जुबान तो कुछ बोलता हाँ तो मेरी अपनी कोई पाया नहीं, भाव ये मेरे वस विच नहीं, मेरे इख्तियार विच नहीं कि मैं जुबान तो कुछ बोल सकां। इसनू विचारन दी बड़ी लोड़ है। विशा बड़ा दुविधाग्रस्त विशा है।
और सारियां दे चेत च एक ख्याल ते ए जन्म जरूर लैंदा है कि जेकर सब कुछ भाणे विच ही हो रहा है तो फिर सिख्या किस वास्ते दिती जा रही है। तो होण दिओ, सहज सुभाए हो रहा है फिर होण दिओ, इनू विचारना बड़ा लाजमी है। और गुरु कृपा करे इस पक्ष नू खोलण दा यतन करांगे। इस विच साहिब ने रमज़ की रखी है उनू जानना जरूरी हो गया है। जुबान तो कुछ कहिंदा हाँ ता मेरे अख्तियार विच नहीं, ये मेरी पाया ही नहीं मैं कुछ कह सकां, ते जे मैं आखां कुछ बोल के प्राप्ति कर लवांगा ते नहीं होवेगी। फिर दूजे पास्यों मन ने आवाज़ दित्ती, कहण लगा फिर चुप हो जा, ते कहिंदे चुप होना भी अपने वस नहीं है, ना बोलना साढ़े अपने वस विच है ते ना चुप हो जाना अपने वस विच है। ये किहदे वास्ते? निरंकार दे वास्ते। अमृत बाणी विच साहिब ने बड़े सुंदर बचना राही सब किश तेरा वस, तेरा घर भला, जो भी हो रहा वो तेरे वस विच है, तेरे अधीन है, तेरे अनुकूल है, साड़ी मर्जी नाल नहीं हो रहा, बोलिया साड़ी मर्जी नाल नहीं जा रहा, जे मैं चुप हो जावां तो चुप भी मर्जी नाल नहीं होया जा सकता, जे बोलिया मर्जी नाल नहीं जाता तो चुप भी मर्जी नाल नहीं होया जाता। आखण जोर चुप्पै नै जोर, ते पातशाह ने अपनी अमृत बाणी विच अमोलक बचन साड़ी झोली विच पा दिते। कहन लगे जोर ना मंगण देण ना जोर, है समर्था साड़े विच कोई? असी जोर नाल मंग नहीं सकते ते जोर नाल असी कुछ किसी नू दे भी नहीं सकते, भाव अपनी मर्जी नाल अपनी समझ नाल अपनी मतबुद्ध नाल असी मंग नहीं सकते। मंगण दी सोच भी निरंकार ने पैदा कीती है, ते जे किसी लोड़वंद नूं असी दे रहे हैं ते ये मत समझ लेना कि असी दे रहे हैं, साहब कहन लगे भी उही दीवार है, मंग रहे हैं ते वह सानू मंगण दी जुगत दे रहा है। जे कुछ किसी नूं दे रहे हैं ते वह साढ़े अंदर ये सोच पैदा कर रहा है। इसनूं असी अच्छे ढंग नाल समझांगे। पहलियां पंक्तियां नूं फिर दोहराइए, भाई साहब इशारा करनगे इन्हां पंक्तियां राहीं हजूर की कहना चाहुंदे हन। आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, है साड़ी कोई पाया? पर फिर किवें विचारांगे कि साहिब जी जे साड़ी जुबान बोल नहीं सकती ते जदों कोई बंदा किसी नूं अप शब्द बोलदा है, अहंकार विच बोलदा है, ते सियाणा महात्मा सतपुरश बंदगी करन वाला कहन लगा वे आवाज़ नीवी रख अकाल पुरख सुनदा ही, देखी किसी नाल जबर ना करी, धक्का ना करी, किसी दी शान दे खिलाफ ना बोली, सतपुरश नूं ये गल क्यों कहनी पई? उहदा की कारण होवेगा? जदों बोलना निरंकार दे वस च वह बुला रहा है, असी चुप हो गए उहदे वस विच, उन्हें चुप करा दिता, असी मंगिया ते उहदे वस विच उन्हें सानू झोली अड्डनी सिखा दिती, ते जदों किसी दी झोली विच कुछ पाउण लगे तां उन्हें सिखाया कि यह लोड़वंदी इहदी झोली विच पा दे। हुण पर मनुख अपने नाल जोड़दा कहिंदा बोलदा भी मैं हां, चाहां ते मैं चुप भी हो जावां। सतगुरां ने तां ही बाणी विच आख्या सी, कहन लगे जे चुप हो जाए ते फिर अंदर जिहड़ी कल्पना है वह फिर भी जारी रहिंदी, वह तो समाप्त नहीं हुंदी ना। जे हुण किसी चोर नूं आखीए भी तू संत वाला लिबास पा के बह जा, सोहणे वस्त्रां विच सज के बह जा, चौंकड़ा तेरा लगा होवे, हाथ विच तेरे माला होवे, होठ तेरे हिलदे होण, स्थिर बैठा होवे, अहिल बैठा होवे, एकाग्रचित बैठा होवे,
ते वेखण वाले तां कह सकदे ने इह संत पुरश है, पर की लिबास दे नाल ओ संत हो गया, इहदा मतलब चुप करके बह गया, लिबास संत वाला पा के चौंकड़ा लगाई बैठा है, पर उहदे अंदर तां चोर वाला सुभाओ बरकरार रहेगा। जे असी जुबान तो चुप हो भी गए तो साडे अंदर जिहड़ी कल्पना है वह जारी रहिंदी है। तो हजूर कहिंदे ने बोलै नाही होए बैठा मोनी, अंतर कल्प पवाई है जोनी। अंदर कल्पना जारी है तो जोनिया विच भटकण दा इंतजाम तू आपे ही कर ले। हुण विचारना पएगा, साहब जी ये तो तेरी रजा च हो रहा है, फिर वह जोनिया च क्यों जाएगा? अगर मोनी होया तेरी रजा च होया, अगर बोल रहा तेरी रजा विच बोल रहा, तो पातशाह फिर यह जोनिया विच क्यों भटकेगा? इसनू तुसी गुरु बाणी दे शब्दां राही समझो, तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो भावै सोई थीसी। इन्हां पंक्तियां दे आधार ते मैं आप जी दे सामने शब्द रखांगा, फिर आपां विचारांगे कि इन्हां दा अंतरीव अर्थ सतगुरु ने की रखे है, की सब कुछ निरंकार ही करदा है कि कुछ असां ने भी करना है, कुछ साड़ी भी जिम्मेवारी है, कुछ सानू भी निरंकार ने हक हकूक दिते ने कि नहीं, कुछ करन दी समर्था सानू भी बख्शी है कि नहीं। ये पंक्तियां ते अज कह रही ने कि मनुख कुछ नहीं करता, जे चंगा बन जाता है तो निरंकार बनाउंदा है, जे मनुख मंदी सोच दा धारणी बन गया तो निरंकार बनाउंदा है, जे मंगता बनाया तो निरंकार ने बनाया, जे दाता बनाया तो तां भी निरंकार ने बनाया। पंक्तियां तो यह कह रही ने, पर विचारो, तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो भावै सोई थीसी। थीसी का की अर्थ करांगे? उही होवेगा, जो तो भावै सोई थीसी। जो तू दे, मैं मंग भी नहीं सकता ना, जे मैं मंगण वास्ते झोली फैला के खलोता है तो मैं अपनी मर्जी नाल मंग भी नहीं सकता, क्योंकि मंगण दी सोच भी मेरे अंदर तुसां ने पैदा कीती है। एक पासे अमृत बाणी कहिंदी है, मंगना है तो अरदास कर, ते अरदास किदां दी कर? मांगो दान ठाकुर नाम। ते जे रब आपे ही कर रहा है फिर असी क्यों मंगीए? जे देना होएगा तो नाम दे देगा, नहीं तो उहदी मर्जी है, कि इस तरह मन्नांगे? नहीं, इहदे विच रमज है, उस रमज तक आपां पुज्जना है अज दे इस विषय राहीं। मंगण लई दरवाजे ते खलो गया भिखारी बन के, कदे मेरे भंडार भर दिते निरंकार ने ते मैं दानी बन के खलो गया, लोग मेरे दरवाजे ते आउण लग पए। कदे मैं किसे दे दरवाजे भिखारी बन के खलोता, कदे उन्हें मेरे भंडार भर दिते ते मैं दानी बन के खलो गया, लोगों नूं वंड रहे। बहुत लोग सड़कां दे किनारियां ते खलोते, बस्तियां च खलोते, झुग्गियां झोंपड़ियां दे लागे खलोते, अपनी कार दी डिग्गी उठा के खलोते हुंदे ने, लगातार वंड रहे हैं, भिखारी आ रहे ने दानी दे रहे, उते समझ रहे मैं दे रहा मैं दानी हाँ। पर हजूर कहिंदे ने, ना तेरी मर्जी नाल मंगिया जा सकता है ते ना तेरी मर्जी दे नाल किसे नूं कुछ दिता जा सकता है। हुण अमृत बाणी की कह रही है, जो तो भावै सोई थीसी, जो तू दे सोई हो पाई, रहाओ सब तेरी, तू सबनी ते आया, जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया। फिर कहिंदे गुरमुख लादा मनमुख, ते गुरमुख किने बनाया? परमात्मा ने। मनमुख किने बनाया? परमात्मा ने। गुरमुख लादा ये नाम दा रतन गुरमुख ने प्राप्त कर लिया, मनमुख ने गवा दिता। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, फिर कहिंदे तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। सब कुछ वाहिगुरु कर रहे हैं ना, तुसां ने विछोड़ा पा दिता साडा परमात्मा नालों, यानी जिंद प्रभु नालों जुदा हो गई। जदों तुसां ने चाहिया ते गुरु दे राही, फिर तुसां ने किसे विछड़े हुए जीव दा परमात्मा नाल मेल करवा दिता।
तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। साहब कहिंदे तू दरियाओ सब तुझ ही माहे। जिवें दरियाओ अंदर मछलियां डडियां होर कई तरह के जीव जंतु इको ही पानी विच भ्रमण करते रहिंदे आ, पानियों बाहर नहीं जा सकते, वो पानी विच रह के अपना जीवन बसर करते ने। इस तरह इस जीव ने निरंकार की रजा नू समझ के उदी रजा विच रह के अपना जीवन बतीत करना है। क्योंकि जप जी की अमृत बाणी जिहड़ा केंद्री भाव से उत्थे फिर लौट के चले चलीए, फिर सानू ये पंक्तियां समझ आउणियां ने। क्योंकि धुरा साडा ओही है, हुक्म रजाई चलना, रजा विच रहना, आग्या दा पालन करना। तू दरियाओ सब तुझ ही माए, तुझ बिन दूजा कोई ना है, जी जंत सब तेरा खेल। ये सारी तेरी बनाई हुई खेड है, किसे नू उत्तम बनाया, किसे नू नीच बनाया, किसे नू बोलन जोगा ते किसे नू मूर्ख बना दिता। वो चाहे तो वक्ता बना देंदा, वो चाहे तो एक छिन विच किसे नू मूर्ख भी बना देंदा, ये उहदी मर्जी है ना। वो तो खल मूर्ख ते पंडित करबो, ये उहदी समर्था है। बहुत मूर्ख जड़ आदमी जिन्हों पता ही नहीं जीवन हुंदा की है, उन्हों साहिब वक्ता बना देन ते जेड़ा वक्ता है जे अंकार आ जाए ते उन्हों एदां दा मूर्ख बना देन के एक शब्द भी जुबान तो ना बोलना होवे, ते फिर बह के बोलन वाले नू किते अंकार ना आ जाए। गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करन, मता किसे नू अंकार आ जाए, क्योंकि अंकार भी आउंदा ना, किस ही जोर अंकार बोलन का, किस ही जोर दीबान माया का, मैं हर बिन टेक धर अवर न काई, रजा वेचा मैं मेरा सहारा तुसी हो, मैं हर बिन टेक धर अवर न काई, तू करते राख मैं निमाणी है, मेरा कोई मान नहीं है। क्योंकि निमाणे मान करें तुद पावे, होर केती चख चख आवे जावे, किन्नी लुकाई चखा मार के कूच कर जांदी आ, निमाणे तेरे उत्ते माण करदे ने, ऐ मालको तैनू पा जांदे है, ते जेड़े पा जांदे उहनां नू इह गल समझ आउंदी है, मैं आप बोलन जोगा नहीं हाँ, मैं आप चुप रहन जोगा भी नहीं हाँ। जे मैनू लख कोई चुप करवाउणा चाहे ते मैं चुप नहीं होवांगा जिन्ना चिर निरंकार दा हुक्म ए जुबान चलदी रहेगी। लख चुप कराए, जदों कोई ठोस गुरमत कहिंदा ते मन मतीए चुप कराना चाहते ने भी चुप कर अपनी जुबान तो यह शब्द ना कहे, लोग नाराज हो जाएंगे। मैं कहना हूं ना जे दुनिया नाराज हो जाए तो कोई गल नहीं, वो गुरु नानक साहब ते नाराज नहीं होंगे। ठोस गुरमत आखो, क्योंकि असी मिलावट की चीज़ थोड़ा बेचनी है। जेड़ा ये खजाना सानू मिलिया है ना, ये बड़ा अमोलक है, ये प्योरिटी बहुत है, ये मिलावट तो है ही नहीं। तो असी मिला मिला के लोगों नू गलेफ गलेफ के रखते जाइए, मिठास विच कुड़त्तन जहर, यानी गुरमत की बोली विच मनमत लपेट लपेट के लोगों नू खिला दईए, की ये योग है। आप जी नू पता ना दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब दे कोल जदों आए ने चल के बेदावा देण वाले, ते हजूर नू दो दिन पहला माझे तो चल के सिख आए, उन्होंने आख्या सचे पातशाह बादशाह दे नाल तुहाडी संधि करवा देने। हजूर कहन लगे क्यों करवा दोगे, आखन लगे जी ये झगड़े चंबेले खत्म हो जाएंगे। गलबात चलती रही, हजूर ने उन्होंने जवाब दिते, पर सचे पातशाह ने एक गल बड़ी कमाल दी कही सी, उन्होंने आख्या फिर असी तुहाडे सिख नहीं रहना, असी तुहानू गुरु नहीं मन्नांगे। तो गुरु दसम पातशाह मुस्करा के कहन लगे मैनू इहो जै कायर सिखां दी लोड़ भी नहीं है। जेड़ा बंदा मनमत नूं स्वीकार करदा है, गुरमत नूं सही रूप विच बयान नहीं करदा, जां श्रवण करन वाला श्रोता उहनूं प्रवान नहीं करदा, तां गुरु कहिंदा मैनू ऐसे सिख दी भी जरूरत नहीं है। क्योंकि असां ने गिणती नहीं वधाउणी, असां ने क्वालिटी पैदा करनी है, ते क्वालिटी दी चीज़ थोड़ी ही हुंदी है, बहुत ज़्यादा नहीं हुंदी।
बहु गिणती नहीं होंदी। बाजार विच परमार है हर चीज़ की। तो जदों मेरे अंदर मनमत प्रवेश करे, लोग मैनू चुप कराण दा यतन करन, मैं चुप हो जा तां मुबारक, मेरे अंदर गुरमत होवे, गुरु की गल संसार नू दे रहा, तो फिर मैनू लोग चुप कराण दा यतन करने, जुबान चुप नहीं होएगी, ते कहेगी क्योंकि इहदा सुभाव बन गया, ये त्याग नहीं सकती। तो सचे पातशाह कहन लगे, मनुख दी पाया नहीं है कि जुबानों बोल सके, मनुख दी पाया नहीं कि ये चुप रह सके। पर हुण रमज की है, अमृत बाणी कोलों पुछो, सानू पवित्र शब्दां राही अमृत बाणी जवाब देगी, कहिया करना दिता लेना, जो कह रहा है मालक वो मैं कर रहा है, जो दे रहा है वो मैं ले रहा, कहिया करना दिता लेना, गरीबां अनाथां तेरा माणा, सब किश तू है, तू है मेरे प्यारे, तेरी कुदरत कौ बल जाई जियो, भाणे उजड़ भाणे राह। जे कोई बंदा जीवन दी मर्यादा चों भटक गया, ते पातशाह गुरु रामदास साहिब ए बख्शिश कर रहे हैं, कहन लगे भाणे उजड़, कोई जीवन मर्यादा चों रब दे रस्ते तों भटक गया, ते रब दे भाणे विच भटकिया, बचन गुरु रामदास साहिब दे ने, इन्हां नूं खोलना है आपां, पुजना है आपां उत्थे। भाणे उजड़ भाणे राह, भाणे गुरमुख हर गुण गावाहा, रजा विच ही गुरमुख जन परमात्मा दे गुणा नूं गायन करदे ने, रजा विच ही कोई बंदा उजड़ विच पै जांदा है, ते रजा दे विच ही कोई बंदा रब दे राह उत्ते तुर पैंदा है। ना को मूर्ख ना को सियाणा, वरतै सब किश तेरा भाणा, कोई मूर्ख नहीं है अपनी मर्जी नाल, अपने अख्तियार विच नहीं मैं मूर्ख हो जावां, जे उन्हें सियाणा बनाना है तो उन्हें बनाना है, तो जे उन्हें मैनू मूर्ख बनाना है तो फिर कोई दुनिया की ताकत उन्हें रोक भी नहीं सकती, उन्हें तो एक इशारा करना है। बड़े बड़े सियाने बंदे मूर्ख बनते नजर आए ने, ब्रह्मा बड़ा सियाणा है पर मूर्ख हो गया, क्यों? क्योंकि अपनी पुत्री ते लुभाएमान हो गए। इंद्र बड़ा सियाणा है, स्वर्ग का राज कुमार है, पर गौतम तपे दी धर्म पत्नी ते लुभाएमान हो गया, मूर्ख बन गया, एक छिन नहीं लगा, छिन विच हो गया सब कुछ, देर नहीं लगी। बुद्ध भ्रष्ट दियां दुध फुट दियां, सियाणे कहिंदे पता नहीं लगता, देर नहीं लगती, कदों हो जाए दुध अते बुद्ध, पता नहीं कदों ये बदल जान, ये अपना सुभा तब्दील कर लैन। इसलिए प्यारियो, जदों तक स्वास चलन, अपने साहिब अगे हाथ जोड़ के अर्ज करते रहना, सच्चे पातशाह ये स्वासां दी पूंजी तेरी सिफत करदियां ही मुके, ये गल्लां बातां ते संसार विच भटक के दुनिया के ओझड़ विच पै के ये स्वासां दी पूंजी खत्म ना होवे, ये तेरे चरणों में समा बतीत करा मैं, एक एक पल जिंदगी दा तेरी हजूरी में गुजार दिया मैं, ये रहम करी। ना को मूर्ख ना को सियाणा, वरतै सब किश तेरा भाणा, ये तेरी रजा च हो रहा है। हुण समझिए की है ये खेड। इत्थे आके बहुत लोग दुविधा विच पै जांदे ने, बड़े बड़े सियाने सिमरन करन वाले बाणी पढ़न वाले इत्थे आके दोराहे ते खलो जांदे, किहड़े राह ते तुरी, जे ते रजा च हो रहा है फिर जो हो रहा है पुन पाप होण दिओ, ते जे रजा च नहीं हो रहा ते फिर ये बचन लिखे क्यों ने, जे कुछ साडी मर्जी नाल भी हो रहा ते बचन लिखे क्यों ने। इहदे लई मैं एक उदाहरण आप जी दे सामने रखा, हारमोनीयम साडे सामने पिया है, जां रबाब पई है, तानपुरा पिया है, दिल रुबा पिया है, सारंगी पई है, साज पए ने,
उस साज बिल्कुल कंप्लीट है, उदे विच संगीत है, संसा नहीं, शक नहीं है सानू। जिसने उनू तैयार किया है, उन्हें पूरे दावे नाल तैयार किया है कि इनू कोई संगीतकार जदों छूएगा तो इहदे विचों संगीत उत्पन्न होएगा। बस शर्त है संगीतकार छूए, अनजाण नहीं। जिसनू समझ नहीं कि यह रबाब की चीज़ है, वो रबाब का गज भी चलाएगा पर उचों संगीत नहीं, उदे चों बेसुरियां सुरां पैदा होणगियां, बेरसी पैदा होवे गई, जीवन का रस वो पैदा नहीं करेगी। की उदे च संगीत नहीं सी, की उदे विच राग नहीं सी? रबाब विच संगीत मौजूद है, पर गुरु की संगत हाथ दियां उंगलां ते मत जदों दोनों का संजोग होया, संगीतकार ने मत का इस्तेमाल करके उंगलियां दी शक्ति नूं वरत के गज फेरिया ते उहदे विचों किसे राग का जन्म हो गया। ध्यान करियो, रब दी रजा च मनुख बनया है, संपूर्ण बनया, इहदे च कोई कमी नहीं सी पाई, निरंकार ने नहीं सी पाई कोई कमी। तुसीं छोटे जिहे बच्चे नूं वेखो, जे कमी हुंदी ते फिर उदण वी उहदे च हुंदी। छोटे बच्चे च दो साल दा बच्चा भजदा दौड़दा, उहदे च काम है? काम नाम दी चीज़ भी नज़र नहीं आउंदी। इह उत्पन्न होया है, इहनूं पैदा किहने कीता? साडी विचरण ते साडे सोच ने, साडी विचारधारा ने। बच्चा कंप्लीट मनुख है, उहदे च कोई कमी नहीं है, उहदे अंग पूरे ने, उहदी हर चीज़ संपूर्ण है, पर उहदे अंदर ईरखा नहीं सी, उहदे अंदर लोभ नहीं सी, उहदे अंदर छल नहीं सी, उहदे अंदर धोखा नहीं सी, उसदे अंदर फरेब नहीं सी। ये बाद चों क्यों आए ने, क्यों आए ने? कि ये बाद चों निरंकार ने साडे च पाए ने? साहब तो कहिंदे ने जो कुछ पाया सो एका वार, उन्हें तो भंडार इको वारी रख दिता। तो जो उन्हें पाया सी, रबाब बनाउण वाले ने, हारमोनीयम तैयार करन वाले ने उन्हें संपूर्ण तैयार किया, उहदे च संगीत है, पर कोई अनजाण जाके उसनू उहदियां तरबां नू छेड़े तां संगीत दा जन्म नहीं, बेरसी पैदा होवेगी, लोगां ने बेचैन हो जाणा, लोग उदास हो जाणगे। पर उसे रबाब नू किसे संगीतकार ने छुया ते लोग मगन हो गए, लोग मस्त हो गए, पर उस संगीतकार ने की कीता? कि उहदे विच राग विच पाया सी? नहीं, उहदे विच राग मौजूद सी। साडे विच परमात्मा दी रजा मौजूद है, पर उस रजा नू प्रगट कौन करेगा? संगीतकार अपनी मर्जी नाल उंगलियां नहीं चला सकता, उन्हूं किसे उस्ताद दी जरूरत पई, उस्ताद ने दसिया तू केड़ी उंगली नू किस अस्थान ते रखना है, इथों केड़ी सुर पैदा होवेगी, तू कितों छूएगा ते इहदी आवाज किस तरह की निकलेगी, ये राग भैरों गाएगी, सुरां केड़ियां होणगियां, ये राग माल कौश गाएगी, सुरां केड़ियां होणगियां, ये राग तनासरी गाएगी, सुरां केड़ियां होणगियां। उन्हें सुरां नूं दबाना दस्या, उस्ताद दे जरिए उंगलियां दे बल नाल, बुद्धि दी शक्ति नाल उहदे विच्चों किसे राग दा जन्म होया, पर अंदर राग मौजूद सी। भाणा साडे अंदर है, रजा साडे अंदर है, पर वह प्रगट किवें होवेगी? उहनू पूरा गुरु, जदों सानू पूरा गुरु उस्ताद मिलेगा तो सानू मालक दी रजा विच तुरना सिखा देगा, सिखाएगा कि भाणे विच तू बोल रहा है, फिर अहंकार नहीं होएगा बोलण दा, गुरु सिखाएगा। ये असीं सीख के नहीं आए, अंदर मौजूद सी, पर गुरु ने सानू सिखाया क्योंकि उत्थे उस्ताद दी लोड़ है। गुरु ने सिखाया, तू मर्जी नाल बोल नहीं रहा, तैनू निरंकार अपने भाणे विच बुला रहा है। ये भाणा मनण दी जुगत गुरु ने सिखाई है, वरना बड़े बड़े अहंकारी अपनी जुबान तो बोल बोलते सुनाई पैंदे ने। ते मैं ते बेनती कर रहा सी कि किसी ही जोर
अंकार बोलन का किस ही जोर दीबान माया का मैं हर बिन टेक। बस आ जड़ी टेक दी रमज है ना, ये गुरु ने सानू सिखाई है कि तू सहारा मालक दा ना छड़ी, तैनू रजा विच रहना आ जाएगा, फिर बोलेगी तेरी जुबान पर तू आखेगा नहीं कि जुबान मेरी बोल दी है, कहेगा नहीं, मनमुख कहेगा जुबान मेरी बोल दी है, गुरमुख नहीं कहेगा क्योंकि उसनू ये गल समझ आ गई गुरु दे समझाउण करके। गुरु साहिब दा एक वचन है, जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो, उदे चरना ते टै पवां, क्यों बेनती कर रही है विछड़ी हुई रूह, गुरु अगे नहीं एक सिख अगे, जिहड़ा गुरु दे दर ते आ के रमज सिख गया है गुरु कोलों कि गुरु की चीज़ आ, समझाया, जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो, की करा पाए लग के, पाए लग के की करा, आखां बिरथा अपने अंदर का जिहड़ा दर्द है, मालिक वह गुरु दिया सिखा वह प्यारिया मैं रब नालों विछड़ गया, है कोई जुगती तेरे को, तू गुरु घर में जाना तू गुरु को बैठना, और सच जाने हो गुरु दे कोल बहन वालियां दे कोल रमज अपने आप आ जांदी आ। Yeah.